हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे पामिश चैनल पर सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है एक नया टॉपिक है। आज हम इस ऐसे एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो मेजॉरिटी में बहुत सारे लड़कियां मुझे हमेशा इस टॉपिक के ऊपर मैसेज करते हैं, सवाल पूछते हैं, चाहे वो शादीशुदा लड़कियाँ हो या कोई अगर कोई भी लड़की से अभी शादी करने के लायक हो गई हो या उसका मैरिज फिक्स हो गया हो, तो हमेशा उनके जनरली एक सवाल आता है उनके मैरिज लाइफ कैसा जाएगा। दूसरा सवाल ये होता है हमारे हाथ में संतान सुख है या नहीं, संतान सुख चिल्ड्रेन का सुख है या नहीं है, चाइल्ड सुख है या नहीं है। मेजोरिटी में ये सवाल डेफिनेटली रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं हाथ में ऐसा क्या क्या साइन होता है जो कि चाइल्डलेसनेस शो करता है, मतलब पिता माता को संतान का सुख नहीं मिलता है, वो चाह कर भी फिर भी उनको वो सुख प्राप्त नहीं होता जिसके कारण वो लड़की गर्भधारण नहीं कर पाती है, जिसके वजह से उनको संतान का सुख नहीं मिलता है। मुझे पता है फ्रेंड्स, आप सब बोलेंगे ये थोड़ा नेगेटिव टॉपिक है, लेकिन आप सबको पता होगा इस दुनिया में हर कोई तो उनको ही सुख नहीं मिलता है, हर कोई लड़की या हर कोई महिला गर्भधारण कर सके या चाइल्ड बर्थ कर सके, तो किसी ना किसी को, बहुत सारे लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को भी ये दुनिया भर में ये प्रॉब्लम होता है, चाइल्डलेसनेस होता है। तो इसके ऊपर बात करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पहले से अगर पता चल जाएगा ऐसा कोई इशू है तो आप उसको पहले से ही सॉल्व करने के लिए उस डिजीज़ को पहले से क्योर करने के लिए उसका जो सोल्यूशन निकालने के लिए पहले से थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, ना कि लेट में अगर ट्राई करेंगे या बाद में पता चलेगा शादी के दो साल चार साल पाँच साल बाद, तो उस टाइम पर आप चाह कर भी उसको कुछ नहीं कर सकते। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पहले स्टार्ट कर देते हैं, ऑलरेडी 2 मिनट का वीडियो हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हमेशा हर एक वीडियो में बोलता हूँ, अगर किसी को भी फ्री रीडिंग चाहिए, फ्री कंसल्टेशन चाहिए, तो मेरे सीक्रेट्स ऑफ पामिस्ट्री, मैंने फेसबुक पर अपना खुद का ग्रुप खोला है सीक्रेट्स ऑफ पामिस्ट्री, उस ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, अपना बहुत पाम पिक्चर्स, अपना बर्थ डिटेल्स मेंशन कर सकता है, अपना एक सवाल चाहे वो कैरियर से हो, लाइफ से हो, मैरिज लाइफ से हो, बिजनेस से लेकर हो, कुछ भी हो, उनके मैरिज लाइफ से ले कुछ भी हो, वो मुझे एक सवाल पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उनका आंसर दे दूँगा। अगर पर्सनली किसको ये चाहिए तो पर्सनली मैं सिर्फ पेड रीडिंग देता हूँ, उसके चार्जेस लगते हैं, मैं फ्री में नहीं करता हूँ। तो आप मुझे जितना भी रिक्वेस्ट करके पर्सनली मैसेज करते हैं, मैं आपको अवॉइड करता हूँ, मैं आपको इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि मैं हर किसी को पर्सनली अगर आंसर देना मैं स्टार्ट कर दूँगा तो पूरा दिन ही मेरा वैसे ही चला जाएगा। ठीक है फिर चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, चाइल्डलेसनेस जिसको कहते हैं, चाइल्डलेसनेस के क्या कैसा साइन होता है। अगर आपके हाथ में अगर ऐसा कुछ साइन बनता है तो उस महिला को, मैं ये नहीं कहूँगा तो महिला कभी भी गर्भधारण या कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, लेकिन एक डिलीवरी करने टाइम में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। वो जब भी शादी के, बहुत सारे लड़के शादी के 1 साल 2 साल बाद 3 साल बाद वो उनको संतान सुख मिल जाता है, लेकिन वैसे लड़कियों को 8 साल 10 साल कभी कभी उससे ज़्यादा टाइम के लिए भी उनको वो सुख नहीं मिलता है। तो इससे डिस्टर्ब, ऐसे बहुत सारे हर्डल्स डिस्टर्बेंसेस आएंगे। चलिए बात करते हैं 5 साइन के बारे में। देखिए पहले सब का आप देख लीजिए, ये हो गया आपका लाइफ लाइन, ये हो गया आपका माइंड लाइन, ये हो गया आपका हार्ट लाइन। ठीक है, ये आपका 3 लाइन हो गया। देखिए ये हो गया आपका फेट लाइन। ठीक है, अब देखिए फेर फास्ट है ना, आप देखिएगा मैं आपको और एक कलर में दिखा देता हूँ। देखिए ये जो हार्ट लाइन है आप देखेंगे, इस हार्ट लाइन में मर्क्यूरी माउंट के ऊपर ऐसा कोई ब्रांच नहीं होगा, ऐसा कोई ब्रांच नहीं होगा। अब देखेंगे हार्ट लाइन में यहाँ से छोटे छोटे ब्रांच निकल के मर्क्यूरी माउंट ज़्यादातर कंडीशन में जाते हैं। देखिए फिर से आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये हो गया आपका हार्ट लाइन, यहीं से छोटे छोटे ब्रांच ऐसे हार्ट लाइन से निकल के मर्क्यूरी माउंट की तरफ जाते हैं। अब देखेंगे जिनको संतान सुख में प्रॉब्लम आता होगा उनके हाथ में ये ब्रांचेस बिल्कुल नहीं होंगे। हार्ट लाइन क्लियर स्पष्ट ऐसा जा रहा होगा, यहीं पर एक भी ब्रांच आपको देखना नहीं मिलेगा। ये होगा पहला साइन। दूसरा साइन आप देखिए, मैं आपको बोल देता हूँ दूसरा साइन आपका है, देखिए मैं आपको बोल देता हूँ दूसरा साइन आपका होगा, ये हो गया आपका सैटर्न माउंट। आप देखेंगे यहाँ पर क्रॉस होगा या यहाँ पर इसे स्टार होगा।
देखिए जब भी सर्टन अमाउंट को स्टार अक्रॉस होगा, ये भी एक चाइल्डलेसनेस का डिस्टर्बेंस या नेगेटिवनेस ये शो करता है। संतान सुख नहीं मिलता है, संतान सुख मिलने का जो चांसेस होता है बहुत हद तक कम हो जाता है उसके इस साइन की वजह से। थर्ड साइन की बात करते हैं, आप देखेंगे ये हो गया आपका हेडलाइन, ये हो गया आपका लाइन ऑफ मर्क्यूरी, लाइन ऑफ हेल्थ जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं। आप देखेंगे इसी पार्ट में जहाँ पर भी हेडलाइन और माइंड लाइन का सॉरी आपका देखेंगे इसी पार्ट में आपका लाइन ऑफ हेल्थ और आपका ये हेडलाइन में देखिएगा जब भी इंटरसेक्शन होता है इसी पार्ट के अंदर। फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया आपका माइंड लाइन देखिए ये हो गया आपका लाइन ऑफ हेल्थ जिसको लाइन ऑफ मर्क्यूरी भी कहते हैं। ये जो बीच वाला जो पार्ट हो गया, इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे, अब इस पार्ट पर आप देखेंगे एक स्टार ऐसे फॉर्मेशन हुआ होगा, ये ऑलरेडी क्रॉस है इसे एक स्टार फॉर्मेशन हो रहा होगा, ऐसा स्टार फॉर्मेशन हो रहा होगा। इसी पार्ट में देखेंगे एक स्टार फॉर्मेशन हो रहा होगा कहीं पर ना, आपके लाइन ऑफ हेल्थ वो आपके माइंड लाइन के बीचों बीच में जब भी ये इंटरसेक्शन होता है क्रॉस करके लाइन ऑफ हेल्थ से क्रॉस के ऊपर जाता है, इसी बीच में आप देखेंगे एक स्टार बन रहा होगा। तो ये भी वो एक चाइल्डनेस का इंडिकेशन करता है। देखिए मैं आपको एक चौथा साइन दिखाता हूँ। देखिए आप सबको पता होगा यहाँ पर एक साइन बनते हैं जिसको चिल्ड्रन साइन भी कहते हैं, मैरिज लाइन के ऊपर भी ऐसे ऐसे बहुत क्लियर साइन क्रॉस करते हैं, वो भी एक हल्का फुल्का आपका चिल्ड्रन का प्रोग्रेनी का आपका इंडिकेशन देता है। लेकिन आप देखेंगे जो भी लड़की के हाथ में देखेंगे या चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, मैं इसी फैस में एक पॉइंट आप बोल देता हूँ। देखिए जब भी आप देखेंगे ऐसे जो चिल्ड्रन वाले साइन होते हैं, प्रोग्रेनी वाले जो साइन होते हैं, यहाँ पर लाइन हो या मैरिज लाइन को छोटे भट्टी के लाइन्स क्रॉस करते हो, जब भी आप देखेंगे ऐसे ये सब साइन बिल्कुल हाथ में विजिबल नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल क्लियरली सपाट होगा, ऐसा कोई चिल्ड्रन का साइन नहीं होगा, तब भी ये चाइल्डनेस का शो करता है, तब भी ये व्यक्ति को संतान सुख देने से वंचित करता है, उनको मिलता नहीं है। मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जब भी चिल्ड्रन का या संतान सुख की बात आता है तो अब आप डेफिनेटली मैं अपने हर एक क्लाइंट को बार बार एक चीज़ रिपीट करके बोलता हूँ, ग्रुप में भी ये चीज़ मैं बार बार कंटिन्यूसली मैंने रिपीट करके बोल चुका हूँ। आप देखेंगे जब भी आपका संतान के रिलेटेड आप उसको आंसर देना स्टार्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली पति पत्नी दोनों मेल फीमेल दोनों कपल का आपको एनालिस करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होते हैं ना, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है, बहुत सारे पामिस्ट क्या होते हैं ना, सिर्फ लड़की का पाम देख देखते बोलते हैं आपके हाथ में ये सुख नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसे केसेस में क्या होता है ना, लड़की के हाथ में तो वो सुख होता है, चिल्ड्रेन का सुख होता है, लेकिन जो पति होता है वो उनके हाथ में इतना ज़्यादा कैपेबिलिटी इतना ज़्यादा उतना स्ट्रॉन्ग उनके हाथ में चिल्ड्रेन का प्रोग्रेनी का साइन नहीं होता, जिसकी वजह से उनको दिक्कत आती है। तो जब भी आप एनालिस करेंगे, बहुत कपल का पाम आप एनालिस करेंगे, तभी आप चिल्ड्रेन का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सिर्फ एक फीमेल का पाम देख के आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई गर्भधारण करता है या बच्चा पैदा होता है तो दोनों के माता पिता दोनों का ही भागीदारी होता है, सबको पता है। तो कभी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का पाम एनालिस करके आप कभी ये प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। अब बहुत सारे लोग आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, दे सेक्सुअल तो बहुत ज़्यादा हम एक्टिव रहते हैं या सेक्सुअली हम ये सब चीज़ करते हैं। देखिए मैं एक चीज़ में क्लियर ये बोल दूँ, मैं सेक्सुअली टॉपिक ऊपर इसलिए नहीं जाता क्योंकि सेक्सुअलिटी एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन सेक्सुअलिटी और चाइल्ड बर्थ करने में जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। सेक्सुअलिटी आपका क्या होता है, आपका माइंड में एक केमिकल होता है वो जो भी रिएक्शन देता है ऐसा होता है, तभी आपका मेंटल स्टिम्युलेशन है वो एक डिफरेंट केमिकल डिफरेंट चीज़ है, उसके वजह से आपके माइंड में सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, आपको एक्टिव आप उस चीज़ में एक्टिव रहते हैं। लेकिन चाइल्ड बर्थ करना प्रोगिनी एक डिफरेंट चीज़ है। मैं इसलिए सेक्सुअलिटी टॉपिक ऊपर नहीं जाता हूँ क्योंकि सेक्सुअलिटी एक बहुत बड़ा लॉन्ग टॉपिक है। मैं इसके ऊपर और एक वीडियो भी डेफिनेटली सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जी, हाथ में ऐसा क्या क्या साइन बनता है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्टिवली हाइपर एक्टिव सेक्सुअल पर्सन होता है, हाइपर एक्टिव सेक्सुअल थॉट्स उनके आते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, हाइपर सेक्सुअलिटी होते हैं जिसको कहते हैं हाइपर सेक्सुअलिटी कहते हैं, ऐसे भी हाथ में इंडिकेशन साइन डेफिनेटली क्लियरली बनता है। मैं उसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा जिसके थ्रू आप जान पाएंगे क्या क्या हाइपर सेक्सुअलिटी क्या होता है। चलिए मैं लास्ट पॉइंट में अभी चीज़ समझ रही है कि चाइल्डलेसनेस और सेक्सुअलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आप कभी भी उसको एक सेम नज़र से मत देखिएगा। इंसान बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिव रहता होगा लेकिन फिर भी वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा होगा, तभी ये प्रॉब्लम आता है। देखिए मैं आपको फिफ्थ लास्ट साइन में आपको बता देता हूँ। देखिए
फिफ्थ आप देखेंगे, ये जो आप क्या हो गया, इसको ब्रेसलेट कहते हैं आप, मणि बंद कहते हैं इसे, इसे आप इंसान का लॉन्गजिविटी, उसका लाइफ का जो जितना एज होगा अब उसको, अब उसको भी नाप सकते हैं कितना लाइफ इंसान जिएगा। इसको बहुत सारे, इसके बहुत सारे या फिर वेल्थ, वेल्थ का इंडिकेशन, इसमें बहुत सारे चीज़ होता है, मैं डिटेल्स में नहीं जाता हूँ। मैं आज जिस टॉपिक है उस टॉपिक पर बात करते हैं, आज हम चाइल्डनेस के ऊपर बात करें। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये हो गया आपका ब्रेसलेट हो गया, आप देखेंगे, देखें ये हो गया आपका ब्रेसलेट, आप देखेंगे इसके ऊपर एक लाइन ऐसे सीधा जाके ऐसे ऊपर होके ऐसे जा रहा होगा। आप जब भी देखेंगे कोई ऐसा एक लाइन सीधा जाके ऐसे थोड़ा ऊपर उठ के ऐसे जा रहा होगा, मतलब जिसको कहते हैं एक लड़की के हाथ में ये जो फास्ट लाइन होगा ब्रेसलेट के ऊपर, ये थोड़ा पाम के ऊपर बेंड होकर पाम के अंदर जा रहा होगा। मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, एक ब्रेसलेट लाइन ऐसे नॉर्मल एक सीधा होता है, लेकिन आप देखेंगे जिनको चाइल्डनेस या गर्भधारण में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी उनके हाथ में, देखेंगे ऐसा एक लाइन यहाँ से सीधा जाते हुए इसे थोड़ा ऊंचा उठ कर ऐसे डेफिनेटली से जाएगा, ऐसे लाइन जाके ऐसे उठ के सीधा ऐसे जा रहा होगा, तभी उनको ये बच्चा पैदा करने में उनको दिक्कत आती है, जब भी ये चाइल्डनेस हो जाता है। मैं आपको वीडियो एंट्रेंस से पहले एक चीज़ बोल दूँ, जैसे पहले ज़माने में आपके 1800 में 1700 1700-1800 टाइम सेंचुरी टाइम 1700-1800 में साल की बात कर रहा हूँ, 200 साल 300 साल पहले, उस टाइम पर क्या होता है ना, उस टाइम पर इतने ज़्यादा आजकल उतने ज़्यादा डॉक्टर्स इतने ज़्यादा एक्टिवली सब लोग नहीं थे। आज के टाइम में तो बहुत सारे साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है, तो आप इजीली हाथ दे गए, इजीली आप मेडिकल में जाके कुछ ना कुछ करके आप गर्भधारण कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है। लेकिन जब मैं 200-300 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1700 की या 1800 मसीहा की बात मैं कर रहा हूँ, उस टाइम पर क्या होता है ना, उस टाइम पर जो खास करके क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन रिलीजन होते हैं उसके ऊपर जो चर्च में जो काम करने वाले होते हैं या थोड़ा जो रिलीजियस पर्सन होते हैं जो इस सब चीज़ में एक्टिवली काम करते हैं, वो क्या करते हैं ना, उस टाइम पर जो लड़कियाँ आती है जो सर वो हर लड़की का पाम डेफिनेटली एनालिसिस करते हैं, पाम में क्या चीज़ देखते हैं, नहीं ब्रेसलेट साइन को देखते हैं। अगर किसी के हाथ में ब्रेसलेट साइन इससे लाइन इससे ऊपर उठ के जा रहा होगा किसी लड़की को, उस लड़की को मना कर देते हैं। मैं आपको 200-300 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ये बाकायदा बुक्स में लिखी है, मैंने पढ़ा है, वो बाकायदा सच बात है। 200-300 साल पहले क्या होते हैं ना, जब भी कोई एक रिलीजियस पर्सन देखता है किसी लड़की के हाथ में ऐसा इंडिकेशन है ब्रेसलेट ऊपर उठ के जा रहा है पाम के अंदर जा रहा है, तो उनको बोलते हैं आप शादी मत करिए, उनको शादी करने के लिए मना कर देते हैं, उनको कहते हैं आप अपना होल लाइफ भगवान को लिए डेडिकेट कर दीजिए, आपको संतान सुख मिलेगा नहीं, तो आप शादी मत करिए, आप अपना होल लाइफ जीसस क्राइस्ट को डेडिकेट कर दीजिए। तो इस टाइम पर भी ये सब चीज़ देख के भी शादी के लिए पहले लड़कियों को अलाउ करते थे। तो मेरे से बोलने का इसलिए ये था क्योंकि ये सब चीज़ें कितने एक्यूरेट होती है वो 200-300 साल पहले से ही चला आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके हाथ में, मैं एक चीज़ और क्लियर बोल दूँ, आप अगर देखेंगे हाथ में मेजोरिटी में 4-5 साइन हो रहे होंगे तभी भी आप ये चीज़ प्रेडिक्शन करिएगा। इसका मतलब ये नहीं हार्ट लाइन देखेंगे ऐसे क्लियरली है, कोई भी यहाँ पर कोई ब्रांचेस नहीं, कोई से ब्रांचेस नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं थे वो लड़की मान नहीं बन सकती है, उसके हाथ में हो सकता है यही पर कुछ ब्रांच ना हो, लेकिन बाकी उसके हाथ में बाकी प्रोग्रेनी के साइन बाकी कोई नेगेटिविटी नहीं हो, बाकी सब कुछ अच्छा हो, तभी वो आराम से एक या दो बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनको दो दो संतान का सुख मिल सकता है। तो कभी भी हड़बड़ी में सिर्फ पर्टिकुलर एक साइन देखे कभी भी प्रेडिक्शन मत करिएगा, क्योंकि अगर ऐसा प्रेडिक्शन करेंगे तो 100% आप गलत ही होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।